आज हम रिखोली गांव में हैं और ये रिखोली, गुनियाल, पुरपुल, ये पूरी बेल्ट एक ज़माने में ग्रीन बेल्ट थी और बहुत तेज़ी से यहाँ के फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं। तो रिखोली विलेज में विलेज कम्युनिटी के साथ मिलकर यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, यहाँ की स्त्रियाँ हैं, यहाँ के बच्चे हैं, सब ने मिल करके ट्री प्लांटेशन ऑर्गेनाइज किया। आज हमारे ग्राम पंचायत रिखोली के नाग देवता मंदिर पे BTDT द्वारा कुछ पौधारोपण किया गया है। वृक्षों का जो रोपण किया गया उसमें आम, आंवला, अमरूद, ये 5-6 वैरायटी इन्होंने लगवाई है। इनके द्वारा जो पौधे लगवाए गए वो बहुत अच्छे हैं। जब बाहर से लोग जुड़े हैं तब गाँव के लोगों ने भी ये काम किया है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कम से कम एक या दो पौधे प्रत्येक आदमी लगाए तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के या पानी की कमी किल्लत कभी नहीं रहेगी। हम BTDT की तरफ से यहाँ पर आए और हमने 200-250 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पर लगाए हैं। दून घाटी में पेड़ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। बहुत तेज़ी से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों से। हाईवेज़ बन रहे हैं, एयरपोर्ट एक्सपैंड हो रहा है, रेलवेज़ यहाँ पर एक्सपैंड हो रही है। जो पेड़ हैं जो काटे जा रहे हैं उनके खिलाफ बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरी लगता है कि हम इन पेड़ों को रिप्लेनिश करें। जितने पेड़ कट रहे हैं उससे ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, कम से कम 1.5-2 गुना पेड़ ज़्यादा लगाएं। BTDT का ये टारगेट है कि कम से कम इस साल हम 20,000 पेड़ लगाएं। अगर आपके घर के आसपास भी कोई जगह है जहाँ पे पेड़ लग सकते हैं, कम्युनिटी उसकी देखभाल कर सकती है, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम लोग वहाँ भी आके प्लांटेशन करेंगे। तो इस ग्रीन इनिशिएटिव में आप भी हमारे साथ जुड़िए ताकि हमारी दून घाटी हमेशा हरी भरी रहे, ग्रीन रहे, हमारी एनवायरनमेंट क्लीन रहे। We love BTDT.